आज की वीडियो में आपको दिखने वाला है कि हम आपको दिखाएंगे मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट 2024 की एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव इन सिटी हाइपर ड्राइव में बोलूंगा इसको। ये साउंड यार, ये साउंड ना एक्चुअल में अच्छी है। तो राम राम जी, आज है मेरे पास यहाँ पे अपनी मारुति सुजुकी फेसलिफ्ट स्विफ्ट 2024 का टॉप एंड वेरिएंट, यानी कि ZXi जो अपना प्लस आता है वो वाला वेरिएंट है। अब देखो इसमें आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, नीडल्स वगैरह काफी अच्छा दिया गया इंटीरियर। एंड एक चीज और कि गाड़ी में इंसुलेशन काफी सही करी गई है कि देखिए जो बाहर की आवाजें हैं वो अंदर नहीं आ रही हैं, ये देख सकते हो डैम्पिंग के बिना ही। म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी मैं सुना दूंगा आपको, यहाँ पे सारी चीज मिल जाती है आपको, क्रूज कंट्रोल से लेके सारी चीजें जो है। सस्पेंशन की मैं बात करूं तो सस्पेंशन ऑन अ सॉफ्टर साइड रखे गए हैं अब की बार इस वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट 2024 में। क्लच बहुत ही लाइट फील हो रहा है, मतलब ऐसा है कि मेरे थार चला गया और मेरे को लग रहा है मेरी थार का क्लच खराब हो गया, ये वाला फील आ रहा है क्योंकि उसका क्लच बहुत टाइट है। बट मारुति बीइंग मारुति हमेशा इनके क्लच जो है सॉफ्टर साइड में रहते हैं। गियर शिफ्टिंग है उसमें आपको किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं आता है। एसी जो है अच्छा ठंडा करने लग रहा है। मैंने अपनी एक वीडियो में गलती से बोल दिया था कि बेस एंड मॉडल से ही ऑटोमेटिक एसी आता है, बट ऑटोमेटिक नहीं आता, वो ऑटोमेटिक जैसा लगता है, डिजिटल पैनल है। हाँ, उसकी बनावट कुछ ऐसी बनाई गई है कि वो ऑटोमेटिक जैसा लगे आपको। खैर गाइस, अब बात करूं मैं इस इंजन की, तो ये जो इंजन है आपको नया मिल जाता है अपना Z12E इंजन जो है इसका नाम रखा गया है। 3 सिलेंडर इंजन है और 80 BHP की पावर और समथिंग 112 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पिछले वाले से 8 BHP कम और टॉर्क भी थोड़ा कम है, सिलेंडर एक कम है। बट इसमें फेरबदल क्या करा है मारुति ने, अभी आपने अपने एक भाई जो है MRT व्लॉग्स उनकी वीडियो देखी होगी, तो उनने जो है पुराने वाली स्विफ्ट को नई वाली स्विफ्ट से मतलब नई वाली स्विफ्ट ने हराया था पुराने वाली को। तो कुल मिला के मारुति ने क्या करा है कि लोअर RPMs पे हायर टॉर्क दे के इस गाड़ी में जो आप लोगों को एक चीज मिसिंग लगती थी वो दे दी। फिर उसके बाद इसकी जो माइलेज निकल के आ रही है उन भाई ने निकाली थी, अपने MRT दीपक भाई है, 31 की उन्होंने माइलेज दिखाई थी। कंपनी फिर भी 25 क्लेम कर रही है, बट 80 की स्पीड पे अगर आप सॉफ्टली क्रूज करोगे तो शायद से ऐसी कुछ माइलेज जो आपको देखने को मिल भी सकती है। खैर गाइस, अब एक बार मैं खाली रोड देख लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये 3 सिलेंडर का जो इंजन है कितना प्यारा है कितना नहीं। पर गाइस देखिए, खुल मिला के बताऊं सस्पेंशन जो है ना काफी अच्छे करे गए इसके, सॉफ्टर साइड पे करे गए काफी, मुझे तो कोई इशू नहीं आ रहा है इस सस्पेंशन में। पुराने वाली स्विफ्ट थी वो कहीं ना कहीं फील कराती थी हमें कि हां आप एक एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी में बैठे हो, बट इस स्विफ्ट में आपको वो वाली फील नहीं आएगी। नो डाउट मारुति ने जो है प्रीमियम काम की तरफ वर्क करा है। 6 एयरबैग्स आपके पास स्टैंडर्ड दे दिए गए, तो आपको खुद को ही लग रहा होगा कि मारुति जो है कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में तो कहीं से भी नहीं लग रही हम लोगों को, ठीक है। इसी के साथ साथ अब मैं बात करूं यहाँ पे एक बार, मैं एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको एक्चुअल में दिखा पाऊंगा कि गाड़ी जो है वो कितनी अच्छी पिकअप ले रही है कितना नहीं ले रही है। देखिए इनिशियल में उठाने में जो हम लोग बोलते हैं ना वाइब्रेशन, वैसी वाइब्रेशन इसमें कोई भी नहीं है, जो 3 सिलेंडर टाटा में हमने बेसिकली फील करी थी, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं दिखाऊंगा आपको, तो ये जो गियर बॉक्स है ना इसका गियर बॉक्स सेम वही अपना गियर बॉक्स जो पिछले स्विफ्ट में आता था, तो गियर बॉक्स इसमें कोई इशू नहीं है। इंजन में जो कमी है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे, जो सच होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इनिशियल इंप्रेशंस मेरे ये बोलते हैं कि गाड़ी जो है तो पीछे बैठने में आपको जो मतलब कंफर्ट है वो कैसा कुछ आ रहा है? कंफर्ट सही है, सही आ रहा है। और मतलब पिछली स्विफ्ट जी थी वो थोड़ा दिखाती थी, इसमें नहीं पता चल रहा होगा, है ना? थोड़ा इसके सस्पेंशन सॉफ्ट है कंपैरेटिव। और दूसरी चीज पीछे देख रहे हो एसी वेंट भी दे दिए तो स्विफ्ट। और जो है ये वाला भैया कितना पड़ता है ऑन रोड प्राइस इसका? तो ये उन लोग यही चला रहे हैं ना वाला वेरिएंट है? हाँ जी। तो भैया ये वाला जो वेरिएंट है ये 10,43,000 का ऑन रोड आपको पड़ता है। और ठीक है, अब एक बार देखता हूँ हल्का सा। देखो यार, सस्पेंशन में नो डाउट काफी अच्छे काम करा गया है कंपनी की तरफ से। दूसरी चीज, एक जो इंजन में से साउंड आ रही है ना वो मुझे अच्छी लग रही है। 3 सिलेंडर इंजन की आवाज ज्यादा होती है, बट इसमें मारुति ने गाइस खेल कर क्या थोड़ी सी बेसी टाइप की जो साउंड है आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से ये जो गाड़ी है आपको वो फील नहीं कराएगी कि आप 3 सिलेंडर का। अब सुनना आपको दी, तो ये वाला जो रोर है ना थोड़ा ये वाला आता है जब हम लोग बाहर से एयर फिल्टर चेंज कराते हैं या कुछ कराते हैं, बट हाँ कुल मिला के आवाज जो है नो डाउट अच्छी सी दी गई है इसमें। ये देखो सस्पेंशन देखो एकदम प्यारे प्यारे दिए गए, अलॉय व्हील्स लगे हैं। अगर आप बाहर से लगाओगे तो नो डाउट आपका जो कंफर्ट वगैरह वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर बात करें इसकी, तो ये वाला जो वेरियंट है या फिर सभी वेरियंट में करा गया, तो 26 mm जो है इसका हमारा रियर सस्पेंशन इंक्रीज करा गया, जिससे थोड़े से SUV टाइप लोग है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला, प्रीमियम हैचबैक टाइप जो आएगा। अब मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं। देखो थ्रॉटल रख रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है नो डाउट, ये लो एकदम हम खींच रहे हैं। बट ये चीज मैं बताऊं कि दिस कार इज राइट नाउ ऑन सेकंड गियर पे हम लोग इसको इतना रेव नहीं करेंगे, नया इंजन है। अब मैं एक बार इसको हाईवे पे ले जाने की ट्राई करता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको एक जो हल्का सा हमारा पता चलेगा गाड़ी जो है कैसी है कैसी नहीं है। चलते हैं एक बार और फिर आपको थोड़ा सा इंटरव्यू दे दूंगा, फिर हमारे साथ राही भाई बैठे हैं वो भी उनके चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे हाईवे पे और यहाँ से मैं आपको ना फर्स्ट गियर से उठा के दिखाऊंगा, आप खुद देखना। एंड ये सब कुछ AC ऑन होके हो रहा है। ये
ये साउंड है यार, ये साउंड ना एक्चुअल में अच्छी है, ये साउंड भाई जबरदस्त है यार। पहला इंजन है जो इंट्रोड्यूस किया गया, जबरदस्त यार। चौथे गियर में कंफर्ट भी है यार, नो डाउट गाड़ी जो है कंफर्टेबल लग रही है। ब्रेकिंग भी देखें, इसकी ब्रेकिंग भी जो है जबरदस्त बनाई गई है, कुल मिला के मजा आ रहा है। एंड एक चीज और कि मैंने जैसे इस ट्रैफिक में चल रहा हूँ ना, तो मैं ग्लाइड कर रहा हूँ आराम से, ऐसे राइट लेफ्ट मेरे को मारना है ना ऐसे राइट लेफ्ट, और जबरदस्त है। एक अगर देखो ये शायद से यूट्यूब पे आपको पहली बार दिखेगा, आप लोगों देखो खाली रास्ते में सिटी ड्राइव, अगर मैं बताऊं दिन के टाइम में सिटी ड्राइव इस टाइप की आपको अब की बार पहले बार देखने को मिल रही चैनल, ये जान लग रही मेरी पुरानी स्विफ्ट, इसकी कंपैरिजन में अब मुझे इंजन अच्छा लग रहा है, नो डाउट। मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था इंजन में मुझे मजा नहीं आ रहा, बट अब मैंने जब हाईवे पे चलाई है, और अभी तो इसका इंजन जो है जिसको हम बोलते हैं रमा न्यू है, थोड़ा रमा होगा, थोड़ा खुलेगा, उसके बाद आपको और भी अच्छी तरह देखने को मिलेगा। नया इंजन थोड़ा सा जो है बाइंड अप होता है, जैसे जैसे इंजन आप यूज करते हैं उसके बाद वो खुलने लग जाता है और वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बट कुल मिला के अभी तो 9.7 दिखा रही है, नो डाउट, क्योंकि ये गाड़ी एक बार टेस्ट ड्राइव में जाएगी, लोग चलाएंगे बुलाएंगे तो एवरेज कमी आती है। एज अगर कस्टमर में बात करूं तो कस्टमर जब इस गाड़ी को चलाता है तो 80 की स्पीड पे या फिर आसपास की जो स्पीड पे आराम से क्रूज करता है, ठीक है, वो वाली चीज है। पर भाई जबरदस्त गाड़ी है, जबरदस्त फील है, स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, यहाँ पे सारे फंक्शंस मिल जाते हैं आपको, वायरलेस चार्जर मिल जाता है अगर आपके पास वायरलेस फोन है, और बहुत सारी स्पेस भी जो मिल जाती है, 9 इंच की इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे आपको वायरलेस मिलता है देखने का। पर भाई जबरदस्त है यार, ये लो फिर से चला के दिखाता हूँ, और मैं आराम से ग्लाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है गाड़ी में चिपक के चल रही है एकदम, जिसको हम लोग लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं ना चिपक के चलने वाली फील जो है इस गाड़ी में हमको देखने को मिल रही है। और मेरे से पूछा जाए तो ले लो, अभी मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था, और देखो 6 लाख में जो आप मॉडल लोगे उसमें भी आपको इंजन मिलेगा, चाहे आप 10 लाख में जो लेते हो उसमें भी आपको ये मिलेगा, 6 लाख 45 में सेम इंजन है, इंजन वाइज इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, 3 सिलेंडर इंजन। मारुति देखो इंजन में अभी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तो इस बार भी उन्होंने दिखा दिया कि हाँ हमने कॉम्प्रोमाइज जो है बिल्कुल भी नहीं करा, ठीक है। तो कुल मिला पिछली वाली वीडियो में मैंने बोला था 3 सिलेंडर इंजन है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, मारुति का इंजन बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दिए हैं। मुझसे पूछा जाए अगर आपको लेना है तो 100% ले लीजिए, बिना रुके बिना टोके, बहुत ही अच्छा इंजन है, मजा आ जाएगा आपको। अब अपने जो राही भाई है वो चलाएंगे एक बार इसको, फिर उनका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे कि उनको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। बाकी एज अ ड्राइवर परस्पेक्टिव मेरे से पूछा जाए, मैंने पुरानी स्विफ्ट भी चलाई है, ऑलमोस्ट मैंने उसको 20-30 हज़ार किलोमीटर चलाया था, तो उसके बाद मेरे को इस स्विफ्ट को चलाने में काफी मजा आ रहा है, 3 सिलेंडर बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा। पता है मेरे को बताया ना जो मारुति ने वो खेल करा है ना कि लोअर इस पे आरपीएम पे हाईर टॉक, तो वो यहाँ पे जबरदस्त आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट निकाल के दे रहा है, तो ये चीज हम लोगों ने फेस करी है। और कुल मिला के पूछा जाए फीचर पैक्ड गाड़ी है, आप लोग बेस सेकंड बेस जोन से आप लेना ले सकते हैं, मेरे से पूछा जाए तो अमेजिंग गाड़ी लगी। अब देंगे हम अपने सहयोगी भाई राई भाई को गाड़ी चलाने के लिए, और उनका लेंगे क्योंकि उनने भी स्विफ्ट चला रखी है, बट डिजायर चलाई है ना, पर उसमें भी यही इंजन आता था राई भाई, उस मतलब जो पुरानी वाली मेरी स्विफ्ट थी उसमें भी यही आता था। कुल मिला के मारुति ने हमेशा अपना 1.2 लीटर इंजन यूज करा है। साइड में लगाते हैं गाड़ी और फिर उसके बाद जो है आपको राई भाई, ठीक है। चलिए विद दिस इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड शोरूम का जो नाम है, शोरूम का नाम क्या अपना, और आप लोग भी श्योर शॉट यहाँ से आगे बुकिंग्स कर सकते हैं, गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है शोरूम का भी, एंड जबरदस्त लगी मेरे को गाड़ी, ठीक है। चले और ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। बताऊँ कि मैं एज अ को पैसेंजर बैठा हूँ, तो मुझे को पैसेंजर में भी यहाँ पे स्पेस वगैरह काफी सही मिल रही है, तो हाँ काफी सही है, को पैसेंजर के साइड में सॉफ्ट टच वगैरह मिल जाता है आपको। तो यार कुल मिला के ना ये गाड़ी फैमिली के लिए काफी अच्छी बनाई है मारुति सुजुकी ने, एंड देखा जाए तो मजे ही मजे हैं, ऐसी कोई गाड़ी मिल जाए जबरदस्त है यार।